दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स में एक पेड चैनल के प्राइस को लेकर के। दोस्तों मान लीजिए किसी पेड चैनल का प्राइस 30 रुपए है प्रति महीने के हिसाब से, तो क्या डिश टीवी जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स वीसी नंबर अकाउंट से वो 30 रुपए एक ही बार में डिडक्ट हो जाते हैं या फिर चैनल प्राइस प्रतिदिन के हिसाब से डिडक्ट होता है? तो क्या हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि प्रतिदिन के हिसाब से 4 रुपए ही डिडक्ट करा के वो चैनल फिर हम बंद कर दें? दोस्तों डिटेल में हम आज इस पर बात करने वाले हैं, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आ गए हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पर हमने दोस्तों माई डिश टीवी ऐप ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और सबसे पहले आप देख लें दोस्तों, अवेलेबल बैलेंस 85 रुपीज़ दिखा रहा है। अभी से ठीक 3 दिन पहले दोस्तों हमने स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी चैनल एक्टिवेट किया था और जब स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी चैनल एक्टिवेट हुआ था तो यहाँ अवेलेबल बैलेंस था 88 रुपीज़, यानी 3 रुपये के आसपास दोस्तों पिछले 3 दिनों में बैलेंस डिडक्ट हुआ है। तो कह सकते हैं दोस्तों हम कि जो मंथली प्राइस चैनल का होता है वो तो एग्जैक्ट उतना ही होता है जितना आप डिस्प्ले होके आता है, जो NCF, GST और चैनल प्राइस इंक्लूड होके आता है तो वो प्राइस उतना ही होता है एक्चुअल फॉर 30 डेज होता है दोस्तों। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि 30 दिन के लिए जो चैनल का प्राइस होता है क्या वो इकट्ठे कट जाता है प्राइस अकाउंट से या फिर पर डे के हिसाब से कटता है? तो यहाँ एक लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखाया है दोस्तों कि जो प्राइस डिडक्ट होता है वो डेली डिडक्ट होता है, यानी कि डेली एक एक रुपया, दो दो रुपया या चैनल के हिसाब से जो भी प्राइसिंग है पर मंथ की वो एक दिन के हिसाब से डिडक्ट होना शुरू होता है। कम से कम जिंग सुपर FTA सेटअप बॉक्स में तो ऐसा ही हो रहा है, जो भी VC नंबर लॉगिन करके मैं आपको माई डिश टीवी अकाउंट में दिखा भी रहा हूँ। दोस्तों मैंने जो ये सेटअप बॉक्स है इसके VC नंबर को 100 रुपये से रिचार्ज कराया था और कई सारे चैनल पेड चैनल मैंने एक्टिवेट कराए और एक्टिवेट कराने के बाद उनको फिर क्लोज भी किया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं केवल 15 रुपये ही खर्च किए हैं मैंने और उन 15 रुपयों में मैंने काफ़ी सारे चैनल्स को देखा ही है। बस करना क्या है दोस्तों कि जब चैनल्स आप देखते हैं, जब आप चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं फिर उनको आप देखते हैं, तो अगर कोई स्पोर्ट्स चैनल आपने एक्टिवेट किया है, जैसे मान लीजिए एशिया कप के मैचेस आ रहे हैं, तो एशिया कप टूर्नामेंट जैसे ही ख़त्म हो जाता है आप स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी उदाहरण के तौर पर माने तो आप उसको डीएक्टिवेट कर दें। डीएक्टिवेट से मेरा मतलब ये है कि माई डिश टीवी ऐप में जा कर के एडिट पैक के अंदर जा कर के वहाँ पर आपको डिलीट बटन को ओके कर देना है। डिलीट बटन से हमारा मतलब एक डिलीट का सिंबल बना होता है, अभी आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए हमने कर दिया एडिट पैक पे ओके, और जैसे ही एडिट पैक पे दोस्तों हम टैप करेंगे जो भी सेटअप बॉक्स में ऑप्शंस होंगे, यहाँ आप देख सकते हैं योर एग्जिस्टिंग पैक डिटेल्स दिखा रहा है। अब आप देख लें यहाँ पर SD चैनल्स की अगर हम बात करें तो स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी लिखा है, स्टार स्पोर्ट्स वन है और प्राइस में 19 लिखा है और लॉक इन वन डे। यहाँ आपको लॉक इन समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लॉक इन का मतलब ये है कि पहले क्या होता था दोस्तों, कुछ समय पहले जो लॉक इन पीरियड डिश टीवी के चैनल्स का होता था, जो डिश टीवी सेटअप बॉक्स में चैनल्स आते थे उनका 30 डेज का रहता था। मतलब यह है कि एक बार आपने चैनल्स को एक्टिवेट करा दिया तो आपको 30 दिन तक वो चैनल देखना मस्ट है। ये पॉलिसी दोस्तों चेंज की डिश टीवी ने और लॉक इन 30 डेज से हटाकर लॉक इन कर दिया वन डे का। जब माई डिश टीवी ऐप लॉन्च हुआ दोस्तों, तो माई डिश टीवी ऐप लॉन्च होने के बाद आपको कस्टमर केयर अब कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक दिन एक चैनल रखिए, दूसरे दिन उसको बंद करिए, फिर उसी दिन कोई दूसरा चैनल एक्टिवेट करिए, तीसरे दिन उसको बंद करिए, क्योंकि दोस्तों 24 घंटे के बाद ये जो डिलीट का सिंबल आप देख पा रहे होंगे 19 के बगल में, ये 24 घंटे के बाद अपने आप आपको दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि लॉक इन वन डे का है, इसका मतलब कम से कम एक दिन तो आपको जो चैनल आपने एक्टिवेट कराया है एज ए पेड चैनल वो आपको कम से कम एक दिन देखना पड़ेगा। उसके बाद जब उसकी लॉक इन पीरियड की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी तो आप फ्री हैं, आप उसको डिलीट कर देंगे और जैसे ही आप डिलीट करेंगे वो चैनल अपडेट होगा, आपके सेटअप बॉक्स में वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आपके अकाउंट से डेली के हिसाब से जो पैसा कट रहा है वो कटना भी बंद हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से 31 रुपये का चैनल, 35 रुपये का चैनल, टोटल GST NCF सारी डिटेल्स मिला के, चैनल प्राइस मिला के जो बनता है, वो आप इस तरीके से इस्तेमाल करके आप चाहें तो उस चैनल को 3 से 4 रुपये में भी देख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कोई भी स्पोर्ट्स चैनल है या कोई भी मूवी चैनल, हो सकता है कोई मूवी चैनल ऐसा है जिस पे कोई वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर मूवी बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप उसको एक दिन के लिए एक्टिवेट करा लें और जब वो मूवी आप देख लें तो उसके अगले दिन आप बंद करा लें। या फिर जैसे एशिया कप के मैच जब स्टार स्पोर्ट्स पे चल रहा है तो स्टार स्पोर्ट्स एक्टिवेट कराएं, और स्टार स्पोर्ट्स एक्टिवेट कराने के बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको जब मैचेस आपने देख लिए तो फिर उसको बंद करा लें, और बंद कराएंगे तो जितने दिन का बैलेंस कटा रहेगा उतने ही दिन का आपको डिडक्शन में जाएगा, उसके आगे बैलेंस नहीं कटेगा। जब आपने 30 दिन चैनल का यूज़ ही नहीं किया तो बैलेंस भी कटने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए लॉक इन 1 डे और लॉक इन 30 डेज समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही लॉक इन 1 डे होता है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम ये वाला जो डिलीट का सिंबल है इसको टैप करते हैं, आपको टैप करके दिखा देते हैं, तो देखिए होगा क्या, हमने यहाँ कर दिया टैप। अब देखें दोस्तों, अब HD चैनल्स के अंदर आप देख सकते हैं 0 लिख के आ रहा है, ऑल और HD चैनल्स के बीच में HD चैनल्स है उस पर 0 लिख के दिखा रहा है। और अगर हम यहाँ से इसको बंद करने की कोशिश करें, एक्सपेंड करें अगर हम, तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड करते ही प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। अब जब इसको प्रोसीड करेंगे दोस्तों, ये देख हमने कर दिया प्रोसीड, जैसे ही हमने प्रोसीड किया अभी कोई पेड चैनल है नहीं, अब चैनल काउंट 0, चैनल प्राइस 0 और अवेलेबल NCF इंक्लूसिव दिखा रहा है 0, ये तो हमने कर देते हैं सबमिट। ये देखें दोस्तों, एक पेड चैनल हमने एक्टिवेट कराया, 3 दिन यूज़ किया है, हमने कर दिया सबमिट। अब वापस से हम चलते हैं अपने अकाउंट में, जो भी हमारा अकाउंट है दोस्तों, अब वापस से हम आ गए हैं दोस्तों। अब ये देख लें 85 अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है, 3 दिन मैंने चैनल यूज़ कर लिया, और जब मैंने इसको एक्टिवेट कराया था तो मेरा अकाउंट बैलेंस था DISH TV का 88 रुपीज़, अभी केवल 3 रुपये डिडक्ट हुए हैं, अब अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है 85 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि एक चैनल जब आप एक्टिवेट करते हैं, अब वापस से दोस्तों आपको एक चैनल एक्टिवेट करके भी दिखा देता हूँ कि लॉक इन 1 डे दिखाएगा तो कम से कम 1 दिन बाद ही डीएक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। एडिट पैक में वापस जाते हैं दोस्तों हम लोग, और एडिट पैक में वापस जाने के बाद एक कोई सा भी चैनल हम ले लेते हैं, अब यहाँ पे देख लें दोस्तों आप चैनल्स में जाकर के कोई भी एक चैनल हम ले लेंगे दोस्तों, जैसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, कोई एक चैनल सेलेक्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी एक चैनल लेके आपको दिखा दें कि आखिर में लॉक इन शो हो रहा है तो क्या डिलीट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। 24 घंटे से पहले दोस्तों डिलीट का ऑप्शन आएगा ही नहीं। चलिए दोस्तों हम ले लेते हैं ID चैनल, इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी चैनल, हमने इसको कर दिया टैप। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी एडेड, चेंज विल बिकम इफेक्टिव, और एक्सपेंड हमने कर दिया यहाँ पर, और इसके बाद प्रोसीड कर दिया। जैसे हम प्रोसीड करेंगे दोस्तों, अब यहाँ देख लें ग्रैंड टोटल 7 रुपये 8 पैसे दिखा रहा है, चैनल प्राइस तो 1 रुपये ही है, अवेलेबल NCF 5 हो गया, और 5 + 1 6 रुपये पे GST 1 रुपये 8 पैसे 18% हो गया, टोटल 7 रुपये 8 पैसे। अब हम कर देते हैं दोस्तों इसको सबमिट, ये सब लाइव दोस्तों आपको हम दिखा रहे हैं। अब देख सकते हैं चूँकि अभी प्रोसेसिंग हुआ है तो 2 मिनट से कम का समय है ही हुआ है अभी, इसलिए ये अगला ले नहीं रहा है, ये जो MyDISH TV ऐप है 2 मिनट के अंदर 2 रिक्वेस्ट सबमिट हम नहीं कर सकते, तो कम से कम 2 मिनट से अधिक का समय होना चाहिए। वापस सबमिट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, यहाँ लिख रहा है सॉरी 2 कंजेक्यूटिव रिक्वेस्ट इन लेस देन 2 मिनट्स कैनॉट बी सबमिटेड, 2 मिनट से कम का समय हुआ, थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों ये डिटेल्स जो दिखा रहा है, बिलो आर द डिटेल्स ऑफ योर चूजन प्लान, डुप्लीकेशन ऑफ चैनल्स इफ एनी हैज बीन रिमूव फ्रॉम योर सिलेक्शन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1 रुपये का चैनल भी, मैं पहले भी अपने वीडियोज में बता चुका हूँ कि NCF लगने से चैनल के प्राइस कैसे बढ़ जाते हैं, जो नेटवर्क कैपेसिटी फीस लगता है और उस पर जो GST लगता है सर, तो जो GST लग रहा है आप देख सकते हैं कि GST प्लस NCF प्लस चैनल प्राइस मिला करके 1 रुपये चैनल का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है 7 रुपये 8 पैसे। अब दोस्तों सबमिट करने की वापस कोशिश करते हैं और देखते हैं फिर कि जब 7 रुपये 8 पैसे चैनल का प्राइस हो रहा है, ये 30 डेज़ के लिए है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 दिन के हिसाब से प्राइस कुछ अलग बनेगा,
तो क्या वाकई में हम एक बार सबमिट करने के बाद डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और एक्चुअल में अकाउंट से हमारा बैलेंस कितना डिडक्ट हो रहा है। तो वापस हम इसको करेंगे दोस्तों सबमिट। ये देखें दोस्तों, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। अब ये वापस हम चलेंगे दोस्तों, और जो आपका माई डिश टीवी अकाउंट है, आप देख सकते हैं चैनल एक्टिवेट हो गया दोस्तों, लेकिन आप देख लें 85 रुपीज़ अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है। अब एडिट पैक में वापस जाते हैं दोस्तों, और एडिट पैक में वापस जाने के बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पे ऑप्शन क्या शो होके आ रहा है। एक्सपेंड किया दोस्तों यहाँ पे हमने, और एक्सपेंड करने के बाद इसको प्रोसीड किया, और अगर हम दोस्तों डिटेल देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। चैनल्स में हमने जो चैनल सेलेक्ट किया है वो भी है, एडऑन्स है, डिश कॉम्बोज है, आईडी हमने इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी रखा है, ये चैनल सेलेक्ट हो रखा है। अब अगर एक्सपेंड करते हैं दोस्तों, और ये जो एक एसडी चैनल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक एसडी, अब यहाँ ध्यान से देखिए रिमेनिंग लॉक इन वन डे। अभी से दोस्तों चूंकि ये माई डिश टीवी ऐप के माध्यम से हो रहा है और पॉलिसी चेंज की है डिश टीवी ने, तो रिमेनिंग लॉक इन केवल वन डे दिखा रहा है, लेकिन ये पहले 30 दिन हुआ करता था, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लॉक का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब इस चैनल को अभी हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, 24 घंटे बाद इसको डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। आप 24 घंटे बाद डिलीट करना चाहें तो 24 घंटे बाद डिलीट कर दें। 7 रुपये के हिसाब से दोस्तों पर डे का जो प्राइस बनेगा, जो 30 दिन का 7 रुपये, तो एक दिन का प्राइस आप कैलकुलेट कर लें, उतना ही अमाउंट डिडक्ट होगा, पूरा 30 दिन का अमाउंट एक साथ डिडक्ट नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा होता दोस्तों, तो जो स्टार स्पोर्ट्स हिंदी मैंने एक्टिवेट कराया वो टोटल अकाउंट बैलेंस उस समय दोस्तों था 88 रुपये, और अगर ऐसा हो रहा होता तो जब मैंने एक्टिवेट कराया तो लगभग 30-34 रुपीज़ डिडक्ट हो जाने चाहिए थे, और वो करीब आता आपका 55 के आसपास। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि पर डे के हिसाब से ही बैलेंस डिडक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि 30 दिन के लिए चैनल एक्टिवेट हो गया तो 30 दिन का एक साथ ही कट जाएगा, क्योंकि लॉक इन जब एक दिन में हो रहा है दोस्तों, तो फिर वो कैसे एक साथ पैसा डिडक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।